तो यूपी पुलिस का मिशन ऑपरेशन प्रयागराज, इस पर आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बताएंगे। प्रयागराज में अतीक के कमांड सेंटर तक पहुंच गया है आपका चैनल टीवी 9 भारतवर्ष। इसी दफ्तर में बता दें आपको कि 2002 में उमेश पाल को किडनैप करके लाया गया था, उसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये 6 महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज जिससे पहले पता चला था किस तरीके से मेगा प्लान तैयार किया गया था और इस बात का खुलासा हुआ इसके लिए बकायदा प्लानिंग की गई थी और गिरफ्त में अब 5 गुर्गे आ चुके हैं। ऐसे में अगला नंबर किसका, ये बड़ा सवाल है। बता दें आपको अतीक के कमांड सेंटर तक पहुंच गया है टीवी 9 भारतवर्ष, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के दफ्तर से कैश और हथियार बरामद किए गए हैं। प्रयागराज के चकिया में पुलिस ने छापेमारी की थी, छापेमारी में 72 लाख रुपए कैश, 10 अवैध हथियार बरामद किए गए। अलमारी में छुपा कर रखा गया था कैश और हथियार जिसे पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने अतीक के 5 गुर्गों को गिरफ्तार भी कर लिया है और ऐसे में बड़ा सवाल यह कि अब अगला नंबर किसका। बुलडोजर की कार्रवाई भी इस बीच लगातार जारी है। तो इसी दफ्तर में उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग भी की गई थी और किस तरीके से यहां पर पुलिस की छापेमारी में प्रयागराज के करबला इलाके में कभी ये इमारत, ये बिल्डिंग इसे कह रहे हैं, ये अतीक अहमद का ऑफिस हुआ करता था और यहीं से उसके रसूख और उसके दरबार चला करते थे। कल यहीं से पुलिस ने लाखों रुपये और हथियार भी 10 बरामद किए। लेकिन इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई एक दिलचस्प कहानी हम आपको बता रहे हैं और वो ये है कि उमेश पाल जिसकी हत्या 24 तारीख को हुई, उस उमेश पाल को साल 2006 में इसी बिल्डिंग में, आगे मैं ले चलता हूँ कमरे में, उसे लाया गया था, अपहरण करके लाया था। उस अपहरण के आरोप में अतीक अहमद और अशरफ समेत और भी लोग आरोपी हैं और वो जो चल रहा मामला कोर्ट में है, ट्रायल आखिरी स्टेज में है, इसी महीने के आखिर में उस पर सज़ा भी सुनाई जा सकती है। लेकिन ये जो कमरा था, यहाँ पर उसको लाया गया था, किसको, तो उमेश पाल को। ये बात साल 2006 की है और साल 2006 में यहीं लाया गया और जो आरोप लगाया उसने कि इलेक्ट्रिक सॉक्स दिए गए, उसे टॉर्चर किया गया, उसके बाद वो कोर्ट गया और कोर्ट में उसने ये एफिडेविट दे करके गवाही दी कि जब राजू पाल की हत्या हुई 25 जनवरी 2005 को, तो वो मौके पर मौजूद नहीं था। उमेश पाल और राजू पाल बीएसपी का विधायक हुआ करता था और जब अतीक अहमद 2004 में सांसद बन गया, उसके बाद जब वो सीट खाली हुई इलाहाबाद पश्चिम, तो राजू पाल वहीं से विधायक बना था और राजू पाल अतीक और उसके भाई अशरफ की आंखों में खटकता था। राजू पाल की हत्याकांड का मुख्य गवाह था उमेश पाल। 2006 में इसी बिल्डिंग में उसे लाया गया अपहरण करके और बाद में जब 2007 में मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बन गई, तब जाकर उसने अतीक और उसके भाई अशरफ पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था, क्योंकि उससे पहले वो समाजवादी पार्टी का अतीक अहमद सांसद था और उसका खौफ इस पूरे इलाके में इतना था कि कोई बोल भी नहीं सकता था। तो इस बिल्डिंग से जुड़ी हुई बड़ी दिलचस्प कहानी है कि यहीं उमेश पाल को लाया गया था और उसी उमेश पाल की हत्या जो है वो अतीक अहमद के बेटे पर मुकदमा है। अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन भी इस मामले में फरार चल रही है और इसी इमारत से कल कैश भी बरामद हुआ और अतीक अहमद गैंग के 2 लोग भी पकड़े गए। कैमरामैन सुनील के साथ पंकज झा, टीवी 9 भारतवर्ष, प्रयागराज। टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपके सामने हम रख दें। माफिया अतीक अहमद के दफ्तर से कैश और हथियार पुलिस ने बरामद किए हैं। प्रयागराज के चकिया में पुलिस ने छापेमारी की थी और इस छापेमारी में 72 लाख रुपए कैश, 10 अवैध हथियार पुलिस ने बरामद किए। तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ अलमारी में छिपा कर कैश और हथियार रखे गए थे जिसे पुलिस ने छापेमारी के बाद बरामद कर लिया है। पुलिस ने अतीक के 5 गुर्गों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ा अपडेट है इस मामले से जुड़ा हुआ और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार इस मामले में जारी है। ये वो 5 गुर्गे हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बगल में वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं जिसमें भारी तादाद में हथियार और कैश पुलिस ने बरामद किया है। बाकायदा अलमारी में छिपाकर ये कैश और हथियार रखे गए थे लेकिन पुलिस की छापेमारी में ये बरामद किया गया। ये वो घर है अतीक अहमद का और जहाँ से कहा जा रहा है कि 70 लाख रुपए कैश मिले हैं और 0.54 की कोल्ड की एक पिस्टल मिली है जिसका बताया जा रहा है कि उमेश पाल मर्डर में जो शूट आउट हुआ था उसमें इस हथियार का इस्तेमाल हुआ था।
ये मुखबिर से जानकारी मिली। उसके बाद मैं चलता हूँ अतीक अहमद के घर के उस हिस्से में जहाँ पर ये सारी सामान मिले हैं। ये अंदर में पुलिस की टीम आई हुई है और वहाँ ले कर चल रहे हैं हमें रमेश शर्मा जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने दिखाया है। अब मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या मिला है यहाँ पर। ये देखिए, ये सारे वो सामान हैं, ये कैश हैं जो, और इसके साथ ही वो हथियार भी मिले हुए हैं। और दो लोगों की गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है, ये सामने आपको कैमरे में दिख रहे हैं। और ये जो 24 तारीख को जो उमेश पाल, जो बीएसपी के विधायक राजू पाल के मर्डर में गवाह थे, उसके जो शूट आउट हुआ था उसमें यहाँ पर जो जानकारी मिली है, करीब महीने भर होने का है, एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं आप प्रयागराज पुलिस के लिए। आपको दिख रहा होगा बैग है, कैश है, इतनी संख्या में एक कैश आपको दिख रहा होगा, करीब 70 लाख रुपये के बारे में कहा जा रहा है कि कैश है। कैश गिनने के लिए मशीन भी यहाँ पर, नोट गिनने के लिए मशीन भी लाई गई, लेकिन प्राथमिक तौर पर जो हमें बताया गया है वो 70 लाख के करीब में कैश है। और एक पिस्टल भी मिला है हथियार, जिसका शूट आउट में इस्तेमाल हुआ था। और ये वो अतीक अहमद का घर है यहाँ पर, और ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और कई सारे इसके अलावा भी आप देखिए हथियारों का जखीरा यहाँ से मिला हुआ है। मैं अगर गिनती करूँ तो आपको बहुत सारे कार्ट्रिज भी दिख रहे होंगे, और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हथियार यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। काले रंग का बैग है और कैश है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख दें। उमेश पाल के मर्डर के लिए अतीक ने मंगवाए थे 10 एप्पल फोन। शूटआउट में शामिल सभी लोगों के पास यही फोन थे। पुलिस ने इनमें से 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है आपके सामने। हम रख रहे हैं सभी मोबाइल में अतीक समेत सिर्फ 3 ही नंबर सेव्ड थे। हत्याकांड को अंजाम देते ही डिलीट कर दिए गए थे फोन के सारे रिकॉर्ड्स। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है जो इस मामले में निकल कर सामने आ रहा है कि इस मामले में जितने भी लोग शामिल थे उनके पास एप्पल के फोन थे, और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद तमाम रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया गया था। इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने जल्दी से हम रख देते हैं, और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों इस्तेमाल किया गया आईफोन या एप्पल फोन को, और इसके पीछे क्या बड़ी खबर है। बता दें, हत्याकांड के लिए अतीक ने एप्पल के 10 फोन मंगवाए। किस तरीके से मेगा प्लान बनाया गया इसको समझिए। इन 6 गुर्गों के पास ये फोन थे। कौन? साबिर, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान, नियाज अहमद और अरमान। ये वो 6 लोग थे जिनके पास ये फोन थे, और सभी के फोन में 3 ही नंबर सेव थे। एक अतीक अहमद का, एक उनके बेटे असद का और एक अशरफ का। ये 3 ही नंबर सभी के फोन में सेव थे। मोड ऑफ एक्शन, सभी आपस में फेस टाइम पर बात करते थे, क्योंकि माना ये जाता है कि इजीली ट्रैक नहीं किया जा सकता आईफोन की एक्टिविटीज को। मर्डर करते ही सभी फोन बंद कर दिए गए, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी। सभी फोन अतीक के ऑफिस में छिपा दिए गए। ये उमेश पाल के मर्डर का प्लान है जो डिकोड किया गया है। सभी फोन अतीक के ऑफिस में छिपा दिए गए। कुछ इस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, प्रयागराज में बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस लगा हुआ है, लेकिन घर गुड्डू मुस्लिम के घर तक बुलडोजर पहुंचना मुश्किल हो गया था। पुलिस प्रशासन ने ये चुनौती किस तरीके से इस चुनौती से पार पा रहे हैं, पंकज झा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उमेश पाल मर्डर को लेकर जब हंगामा चल रहा था, तब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में एक बयान दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन अब इसमें एक पेच फंस गया है। मैं जिस मकान के सामने खड़ा हूं वो गुड्डू मुस्लिम का है, और यहां पर एक नोटिस चस्पा किया गया है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, और उसमें गुड्डू को, जो कि उमेश पाल मर्डर का आरोपी है, उस पर 5 लाख रुपये का इनाम भी है। और ये नोटिस में कहा गया है कि 25 तारीख तक आप जवाब दें कि कैसे अनधिकृत ज़मीन पर उसने घर बना लिया है। ये उसके घर यानी कि 3 मंजिला इमारत है। अब जो हम कह रहे थे पहले कि ये जो मिट्टी में मिला देंगे वाले मामले में पेंच फंस गया है, कि ये हालात देख लीजिए इलाके की, यहाँ पर बुलडोजर इस सकरी गली में आ ही नहीं सकता है। तो सवाल ये है कि अब ये मकान ज़मींदोज कैसे होगा। तो विकल्प के तौर पर यही बचता है कि ड्रिलिंग मशीन या फिर छेनी हथौड़े से इसे तोड़ दिया जाए। तो जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, करीब 1 महीने हो गए उमेश के मर्डर को, लेकिन अभी तक 5 जो बड़े आरोपी हैं उनमें से कोई भी नहीं पकड़ा गया है। कुछ के घर गिराए गए, अब बारी गुड्डू मुस्लिम की हो सकती है, लेकिन वो भी जो मिट्टी में मिलाने की बात कही गई थी वो तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।
हैं।